ये समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज जहाँ संतों महापुरुषों ने सत्संग के दौरान अनेक पहलू पे ये ध्यान दिलाया कि जो सच है वो तो सदैव रहने वाला ही सच है, उसमें तो कोई भी चीज़ बदलती नहीं, पर ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये नज़रिया, ये पर्सपेक्टिव, ये ज़रूर अलग हो जाते हैं अनेकों बार। और उसी तरह कैसे चाहे बात फिर वो एक सच्चाई की हो, तो वहाँ धर्म की भी बात रहती है, क्योंकि ये धर्म क्या है, ये सच्चाई, ये ब्रह्म ज्ञान जो ना बदलता है, ये युगों युगों से वही रहा और आगे भी इसने यही रहना है। कैसे फिर वो जो बात आती है कि जब सिर्फ एक सच्चाई, जो बाबा जी भी अक्सर अपने विचारों में एग्जाम्पल दे के समझाते थे कि अगर एक देश में दिन है तो दूसरे में उस समय रात हो सकती है, वो टाइम जोन्स अलग हो सकती हैं, तो फिर ये सन, ये मून, ये भी उस तरह रात और दिन का पहलू, ये भी सच्चाई उस समय की, एक देश की तो हो सकती है, पर वो एक परमानेंट सच्चाई नहीं, क्योंकि हर देश में वो सच्चाई लागू नहीं है। तो ऐसी फिर ये कौन सी सच्चाई है जो ये हमेशा हर समय किसी भी एक सिचुएशन में, एक जगह पे, जो ना समय से बंधी है, किसी भी तरह पे हमेशा कायम दायम रहने वाली ये सच्चाई, ये निराकार, ये परमात्मा जो कभी बदलता नहीं, कभी ढलता नहीं। तो कैसे इस तरह जब हम एक सच्चाई की बात करते हैं तो वहाँ धर्म, और ये धर्म क्या है, जैसे हम सुनते भी हैं, गाते भी हैं एक सेवा के जब भाव में कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, तो जब मन में ये सच्चाई ठहर जाए तो कैसे फिर ये मानवता के लिए ही अपना जीवन अर्पित, समर्पित कर देते हैं हर कोई। तो जब ये भी बात आती है कि इस निराकार के दर्शन हो गए, ये इसकी पहचान हो गई, व्हेन वी रियलाइज्ड गॉड, तो फिर अपने आप ही हमारा एक नजरिया भी नया हो जाता है, वो एक समझ एक ढल जाती, एक दिमाग में चीज बैठ जाती है कि कैसे हम हमेशा इस ही परमात्मा का ही अंश रहेंगे, चाहे इस शरीर के अंदर हो
या ये मृत्यु होने के बाद, ये शरीर खत्म हो जाने के बाद इसमें मिलना है, तो कैसे हमने जहाँ अपने ऊपर एक खुद को कैसे पूरे लाइफ में कंडक्ट करना है, अपनी सोच को कैसे मानवीय गुणों में ढालते हुए खुद को संवारना है। और वही बात फिर अगर एक पर्सपेक्टिव की होती है तो कैसे एक चीज़ अगर हम देखें वो अक्सर हमें हमारे मुताबिक अगर ठीक लगती है तो वो हम उसको सही डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर एक कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, और दूसरा अगर उसी में कोई फर्क अलग सी बात करे कि बोले कि आप जो कह रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, और वो अपनी बात को किसी और ढंग से फिर एक नए एंगल से पेश करते हैं, तो कैसे फिर एक मन वही हमारा व्याकुल कि किसी तरह बस हम ये अब प्रूफ करें कि हमारी बात, हमारा नज़रिया ही इम्पॉर्टेंट है, दूसरे का नहीं। जो तो समझ जाते हैं कि दूसरे की भी बात उतनी इम्पॉर्टेंट, उनका नज़रिया भी, तो वो तो आराम से एक बात को भी फिर भक्ति बना लेते हैं, उसमें भी परमात्मा का अंश देखकर, फिर इस सच्चाई से जुड़कर, इस परमात्मा से जुड़कर अपने आप को आगे चला लेते हैं। पर वही जो वाद विवाद की बात आती है, फिर कैसे फिर एक अपने आप को इस्टेब्लिश करने में ही ये इंसान जब लग जाता है कि अब मुंह से तो बात बोल दी है, अप्रूव करके भी दिखाएंगे, तो फिर वो बात सिर्फ एक नज़रिए, एक पर्सपेक्टिव की नहीं आ जाती, वहाँ आ जाता है अहंकार, वहाँ आ जाता है स्वयं को श्रेष्ठ कैसे साबित करना, फिर वो एक प्रूफ करने तक ही बात रह जाती है। तो फिर अगर अच्छा वक्ता होगा कोई, वो तो फिर हर हाल अपने आप का अपना नज़रिया ही सही साबित कर देगा। तो बात सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला कितना अच्छा बोल सकता है, हो सकता है उसको भी अच्छा बोलना आता हो, पर वो बात ये समझ जाए कि कुछ भी कह लेंगे, ये दूसरे इंसान के बात समझ नहीं आने वाली, तो अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना किया जाए, खुद को ही चुप कर दिया जाए और दूसरे के हाँ में हाँ कर दी जाए। तो कैसे फिर वही बात कि जो बहुत अपने आप को चतुर समझते हैं असल में वही मूर्ख होते हैं। तो कैसे स्वयं को जब हमने ये अपने मन में ही श्रेष्ठ इतना बना लिया, तो फिर ये क्या हमें और किसी का नज़रिया समझ में आएगा। क्योंकि एक बात इतनी सिंपल सी कि अगर हम कुछ ही मानवीय गुणों पे भी अगर ध्यान दें, तो ये जो लव, कंपैशन, पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऐसे बेसिक जो बातें होती हैं, जो एक लिंगो में भी हमें अगर बात कर रहे हैं तो शायद बोलना भी नहीं पड़ता, वो एक मोतियों की तरह शब्द ये वाले वन बाय वन आ ही जाते हैं होठों पे, जबान पे। पर अगर फिर हर एक शब्द की गहराई में उतरेंगे तो प्यार कब हो पाएगा, वो लव का शब्द, वो वहाँ पे रिस्पेक्ट और ये ट्रस्ट साथ ही होता है। तो कैसे अगर हम ये कहें कि किसी एक व्यक्ति से या परमात्मा से हम प्यार करते हैं पर हम उनको ना उनकी इज्जत करते हैं ना उनको ट्रस्ट करते हैं, तो फिर क्या वो प्यार प्यार है, फिर वो नहीं रहता ऐसा। और वहीं अगर दूसरा पहलू भी देखें कि अगर हम किसी की इज्जत करते हैं, क्या उसके लिए हमारे मन में हमदर्दी नहीं होगी, क्या उस इंसान के प्रति एक हमारे मन में हमेशा ऐसी इच्छा कि हमेशा उसके ऊपर ही भरोसा करने का ये अंदर से दिल करता है। और कितनी बारी फिर ऐसा संसार में भी हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि हमारे साथ तो हमेशा बुरा होता आया है, पर एक सर्टेन इंसान ये जब जीवन में आया तो जीवन बदल गया, हमें भी वो प्यार का एहसास हुआ, वो एक ट्रस्ट का एहसास हुआ। तो कैसे फिर हर एक में हम में वो पोटेंशियल है कि हम पूरे संसार में प्यार बांट सकें, हम सब में वो एक है निरंकार द्वारा दी गई, ये जिस भाव से हम दूसरे के साथ पेश आते हैं, तो हमें जहाँ निरंकार का किया गया हर पल, हर एक जीवन में घटती हुई चीज़
ये डिसीजन सर आंखों पे खुशी खुशी रखना है, वहीं एक अपनी सोझी जो परमात्मा ने दी है उसमें भी हमें खुद को किस तरह एक ढालना है कि हर एक के काम आ सकें, अपने दिल को इतना साफ बनाना है कि फिर चाहे एक वो दिल हो या आईना, फर्क नहीं होना चाहिए ये अंदर बाहर से कैसे हैं, वो एक रस वाली बात, ये दिल दिमाग में ये फर्क ना होने वाली बात। तो दासी अब घड़ी देख रही है और इससे ज्यादा कुछ और बोल नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेके यही कामना कि हर कोई सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाए और अपने आप को इस निराकार का ही बना ले पूरी तरह, चाहे वो शरीर तो सेवा कर सकता है पर मेन बात कि वो मन भी सेवा करे। वो शरीर तो सत्संग अटेंड कर सकता है और कानों में अच्छी बातें डाल सकता है पर वो मन सच्ची बातें स्वीकार करके उन पर चल सके। ये जो सिमरन भी है ये भी अपने आप में सिर्फ शब्द ना रह जाए पर अपने आप को सच में इस निरंकार से जोड़ने का ही इसका प्रयोग किया जाए। दातार सभी पे कृपा करे। सात संगत जी धन नंगार जी। सात संगत जी अब हम सभी सिमरन धुनि में शामिल होंगे। सहारा तेरा तन मन घोले घुमावा कहे अब तार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा कहे अब तार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा एक तू ही निरंकार एक तू ही बख्शनहार तू है दाता बख्शनहार मेरे अब गुण नाचितार मेरे अब गुण नाचितार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सबदा भला करो करतार सबदा भला करो करतार मेरी मांग है दातार मेरी मांग है दातार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू मेरा डोले ना एतबार मेरा डोले ना एतबार बख्शो शरदा भक्ति प्यार बख्शो शरदा भक्ति प्यार करा मैं संता दा सत्कार करा मैं संता दा सत्कार तू ही निरंकार एक तू ही बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जय निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतारी की जय प्यार से बोला दानंकार।